हर पल करूं मैं तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं। हर पल करूं मैं तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं। हर साल श्रावण मास का पहले दिन से 8 दिवस साई चरित का पारायण इधर शिरडी में होते हैं। इस साल भी हम श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट, नाट्य रसिक मंच और शिरडी ग्रामस्थ, ये तीनों मिलके ये पारायण का सोहला साई आश्रम में हमने आयोजित के लिए अरेंज किया। और ये सोहला में, ये 8 दिवस का पारायण का सोहला में शिरडी ग्रामस्थ और साई भक्त सब लोग इसमें पार्टिसिपेशन करके वो वाचायन का सोहला संपन्न होता है। जाऊन चुकले होते सकळ परिभावनी योग्य वेळा केला केळ भावांनी सद्गुरु श्री शरण गेले सद्गुरु रूप चित्र झाले सैंदव सिंधू स्नानार्थ निघाले ते काय निघाले बाहेरे जीव हा या जगाचा भोगता ईश्वर जगत भोग प्रदाता परि सद्गुरु एक मोक्ष दाता निजा ऐक्यता विधान कृपा भोसल्या पोटी सद्गुरु देतील दिव्य दृष्टी तेने मग सकल सृष्टी भावे जिथे एकदाचे हे बाळ साई बाई शरण। 29th ये पारायण का सोहला इस वर्ष में साई संस्थान का आयोजित किया। 29 ईयर्स से ये 94 में ये शुरू हुआ था, 94 से अब तक पूरा सब पारायण का सोहला संस्थान का माध्यम से और ग्रामस्थ और साई भक्तों का माध्यम से संपन्न होत आ रहे। हेमान साई पाई शरण विनोद मार्गे ज्ञान उडीला अज्ञाय आहुन कोड श्रवणार ज्ञानची प्रेर कोड मारिया दिवी गुप्त होड घोड घोड नि पुरविला मी जाई न माधवा पाशी बाबांचा निरोप देऊन त्याशी साईना साई चरित्र पारायण का महत्व है कि साई बाबा ने स्वतः आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद से दिया हुआ ये साई चरित्र पारायण सोहळा आज तक चलता रहा है। हेमाडपंत ने साई चरित्र में बताया है कि साई चरित्र अगर ना हो सके सप्ताह तो हर दिन एक अध्याय पढ़ने का भी नियम कर सकते हैं। साई चरित्र पढ़ने से ऐहिक पारमार्थिक सामर्थिक सब कुछ सौख्य मिलता है, जो जो चाहे वो लाभे ऐसा साई चरित्र में वर्णन किया है। और साई चरित्र ये पढ़ने के बाद बाप जो जो चाहते हैं वो सब कुछ मिलता है। और ये आज तक का साई चरित्र सोहला शिरडी क्षेत्र में अभी तक 29वां चालू है। जैसे जैसे साई चरित्र दिनों दिन बढ़ते जा रहे वैसा वैसा ये सार्वजनिक सोहला हजारों संख्या से भक्त लोग सम्मिलित होते हैं और ये आनंद उत्सव मनाया जाता है। शिरडी क्षेत्र की खासियत ये है कि जैसा जो उपवाली सन होता है वैसा ही ये महोत्सव सभी का आत्मस्थित महोत्सव है। शिरडी के बाहर के लोग भी यहाँ सम्मिलित होकर आनंद उत्सव मनाया जाता है। और साई चरित्र का ये सोहला श्रावण मास में ही किया जाता है, क्यों कि श्रावण मास में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य संपादन करने के, नामस्मरण करना, चरित्र पठन करना, ये शास्त्र के अनुसार है। इसलिए बाबा भी अपने दैवत है और बाबा के साई चरित्र पढ़ना अनिवार्य है। श्रावण शुद्ध प्रतिपदा से श्रावण शुद्ध अष्टमी तक ये साई चरित्र पारायण सोहळा शिरडी क्षेत्र में होता है। अगर घर में भी साई चरित्र आप पठन कर सकते हैं, साई चरित्र 8 दिन का सोहळा है, वो भी कर सकते हैं कि प्रथम दिन साई चरित्र की पूजा संपादन करते समय बाबा की फोटो की तस्वीर की पूजा करना,
कलश स्थापन करना और कलश की और गणेश जी की पूजा करके ग्रंथ पूजन करके पढ़ने के लिए शुरुआत करना। साई चरित्र और कौन सा भी ग्रंथ पढ़ने के लिए नियमावली यह है कि जिस जगह पे आप पहले दिन बैठे हो उस जगह पे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना, उसी जगह पे 7 दिन बैठने पढ़ना है। साई चरित्र अध्याय पढ़ते समय किसी से बातचीत नहीं करना, अध्याय समाप्त होने के बाद आप बोल सकते हैं। और साई चरित्र का अध्याय सब जो निर्धारित किया है वो निर्धारित अध्याय खत्म होते ही बाबा का नैवेद्य दिखाकर बाबा की आरती करना और साई चरित्र समाप्त करना। 8वें दिन साई चरित्र पारायण 16 समाप्त होने के बाद बाबा को स्वीट डिश कोई मीठा हार करके बाबा को नैवेद्य दिखाना और ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदान करना। साई चरित्र में बताए बाबा को सबसे प्यारा अन्नदान है और ये अन्नदान करना अनिवार्य है, इसीलिए गरीब लोगों को अन्नदान करना ये साई चरित्र का 16 ये मनाने का तरीका है। अगर कोई साई चरित्र का 7 दिन या 8 दिन का पारण नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने हर दिन एक अध्याय पढ़ने का भी नियम किया तो भी चलता है। और साई चरित्र ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर बाबा की भक्ति करना।